कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज की कविता है हंसो हंसो जल्दी हंसो। इस कविता को लिखा रघुवीर सहाय ने। सुनिए यह कविता अवधेश कुमार त्रिपाठी की आवाज में। हंसो, तुम पर निगाह रखी जा रही है। हंसो अपने पर न हंसना, क्योंकि उसकी कड़वाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश मालूम न हो, वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो कि किस पर हंसते हो। सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे, उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से। गूंज थमते थमते फिर हंसना, क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे। अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द है, कहीं उनमें अर्थ ना हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हो। बेहतर है जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे। और ऐसे मौकों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहां कोई कुछ नहीं कर सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इससे पहले कि वे चले जाएं, उनसे हाथ मिलाते हुए नजरें नीची किए उसको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।